दराज में पड़ा ही हुआ, मैंने सारे देख लिया। चोर अगर लेके भागा होगा तो यहाँ से ही भागा होगा ना। आगे चलो, चोर क्यों आएगा हमारे घर पे, तो कहाँ गया? वेलकम टू एफएसएस यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो आप लोग से मैं दो तीन दिन बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ, बट खैर मैं आई हूँ एक बहुत ही खतरनाक प्रैंक के साथ जो मैं आज करने वाली हूँ। इससे मुझे बहुत बहुत एक्स्ट्रा डाउन भी पड़ सकती है, इवन मार भी पड़ सकती है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रैंक होने वाला है। मैं एक एक्सपेंसिव चीज़ के साथ प्रैंक करने जा रही हूँ। आप ही की जो मुँह दिखाई उसको मिली थी ना, वो आप ही ने मम्मा के पास रखवाई हुई थी, इन्होंने बैंक में जा कर रखवानी थी, ठीक है। बट मैंने सोचा कि कल इन्होंने जो है ना शायद जाना है, तो मैंने सोचा कि उससे पहले पहले मैं इनको डराऊं कि शायद वो चोरी हो गया क्या हो गया, तो उससे पहले पहले राबा करेगी एक प्रैंक। बट मुझे ना पहले डर लग रहा था, बट खैर करते हैं, कोई बात नहीं। अभी घर पर जो है वो हिरापी और पापा दोनों ऊपर है, पापा घर पर नहीं है, मामा और जैना बाहर वॉक करने गई हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये अच्छा मौका, फटाफट से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और वो पहले छुपाती हूँ, फिर बाकी काम देखते हैं। तो खैर जल्दी से वो पकड़ते हैं और उसको छुपाते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो चलो, इधर तो यार कोई भी नहीं है, यहाँ पे हीटर ऑन करके लोग गए। मम्मा और जैनब दोनों ना बाहर वॉक करने गई हुई है, इतनी फॉग में मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं इनको क्या मिलता है। खैर मैंने यही मौका देखा था, तो चलो आ जाओ। टिंग 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 टिंग, तो ये मेरे हाथ में लग चुका है, मैं आपको एक दफ़ा पहले दिखा देती हूँ। यार इसको आराम से रखो, काफ़ी महंगा है। मुझे ना प्रैंक करते हुए डर लग रहा है, यार पता नहीं क्यों मुझे प्रैंक करते हुए लग रहा है, कहीं ये सच में मुझसे टूट ना जाए, घूम ना जाए। आप ही ने मेरा कत्ल कर दिया, और आप ही अगर व्लॉग देखे उसने कहा राबे तुमने इतनी बड़ी चीज़ पर प्रैंक। कोई बात नहीं, मैं हिम्मत करी हूँ, मैं डर नहीं रही, कोई बात नहीं, हो नहीं मैं टेक केयर करूँगी इसकी। तो खैर अंदर से पहले देखने दो। तो ये है हमारा ब्यूटीफुल सा सेट, और ये बहुत प्यारा लग रहा है यार, इसको क्लोज से दिखाती हूँ, प्यारा तो बहुत है। प्रैंक करने का दिल नहीं कर रहा बेबी, आपके साथ बट करना पड़ेगा। तो यार मम्मा और ज़्यादा कहने से पहले इसको मैं एक सेफ जगह पर छुपा देती हूँ, मैं बेड के जो मेरा ड्रॉर है ना बड़ा वाला उसके अंदर छुपा देती हूँ, ताकि किसी के वहमो गुमान में भी ना कपड़ों के नीचे छुपा दूँगी। ध्यान से टूटा जी, इसके ऊपर कपड़े रखते थे ऐसे करके, बस ये हमारा छुप गया। तो गाइस मैंने चोरी भी कर ली और पता भी नहीं चला किसी को ये क्या हुआ, कहाँ से आ रही हो? ऊपर थी तो मैं अभी भी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, कुछ खाने पीने का मजे की डिश बनाने लगी हूँ। मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ मजे की डिश। तुम क्या बनाने लगी हो? पोटैटो का कुछ बनाने लगी हूँ, मेरा दिल बहुत कर रहा है। बाकी लोग किधर हैं? बाकी मम्मा वो भी देखो जरा, मम्मा पता नहीं क्या अभी भी दिख नहीं रही, फोग में दिख नहीं रही है मुझे। और ये जो है ना छुटकी जैनब और मम्मा आ चुकी है, इनको अब हिरापे, इनका हिरापे कहाँ गई? हिरापे माशाल्लाह से हमारे घर की अच्छी, क्योंकि मम्मा के लिए दरवाजा खोलो, मम्मा का वेलकम करो, मम्मा को और डराते हैं, आओ मम्मा को डराते हैं, आप ही की संस्कृति हम पूरी करते हैं। खुद को लेंगे चलो आज अंदर आ कुछ मजे का कुक करते हैं। मैं सुबह से देख कुछ मजे का कुक करते हैं। क्या बना रहे हो? वो तो हिरापी नूडल्स बना रही, नूडल्स किस दिन मैडम को नूडल्स बना देना पूरी। आज जाना हम भी नूडल खाते हैं राबिया। नहीं नूडल नहीं, कुछ और, मैंने कुरकुरे बाइट्स बनाने हैं, पोटैटो मम्मा आलू बाले, हम कुछ मजे का बना लेंगे, मुझे बहुत भूख लग रही है जल्दी। क्या कुछ मजे नहीं फ्राइज बना तो नहीं है घर, चार पांच है। तो गाइस मैंने एक इंस्टा पर मैं तीन चार वीडियोस देखी थी खाना बनाने की, तो आज मैं एक जो है ना अप्लाई कर लूंगी, कुरकुरे फ्राइज आज हम खाएंगे। चीटोस पड़े हैं ना, वैसा ना बनाना, कुछ भी अच्छी सी चीज बनाओगे तो ठीक है, बहुत मजे की बनेगी, आप ट्रस्ट मी मम्मी, ट्रस्ट क्या बनाओगी क्या पहले बताओ। कुरकुरे फ्राइज जैसे चीटोस ही पड़े हुए, पड़े हुए चीटोस यार, ये क्या बात है, लाने थे कल क्यों मुझे नहीं पता। चिप्स आलू के, हाँ लेज, लेज ऊपर लगा लेंगे, आ जाओ मेरी हेल्प करो फिर तुम आके। चलो लेज कहाँ पे पड़े, चलो आप बनाए। यार किचन में आके हमारी इतनी सुस्ती आ रही, कुछ बनाने का दिल ही नहीं कर रहा है ना। नूडल्स बना लो, स्पाइसी नूडल्स बना लो, खाते हैं स्वीट कॉर्न पे, मेरा दिल नहीं कर रहा स्वीट कॉर्न। मैं बना लूंगा, मैं बहुत अच्छे स्वीट कॉर्न खाने, मैंने आपको खाना, मैंने आपके बाल खाने स्वीट कॉर्न में, और जो बनाना है दोनों साथ ना, नहीं मैं अकेली नहीं यार, मैं मेरा दिल नहीं जा रहा, मैं भी नहीं बना। कुछ नूडल्स टाइप बना लेते हैं, बनाना है तो मेरे साथ बनाओगी तुम। गाइस और दुनिया की सबसे बेस्ट सिस्टर आज बना रही है राबिया के लिए नूडल्स, और ज़ैनब भी बनाएगी वेगा। और गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़ैनब के साथ एक चैलेंज की सीरीज निकालने लगी हूँ, जिसमें ज़ैनब के लिए बड़े बड़े गिफ्ट होंगे, जैसे कि आईफोन, जैसे कि गाड़ी, ऐसे गिफ्ट होंगे। तो कमेंट में बताएं कि मैं ये चैलेंज
चैलेंज जाने के साथ करूं या ना करूं, तुम तो जाओ यार, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। तो आप लोग कमेंट करें कि ये चैलेंजेस हम करें, हर एक बंदा कमेंट करे जैनब के साथ करेंगे, आधा अनलिमिटेड शॉपिंग वगैरह बहुत कुछ हो सकता है अंदर, मिस्ट्री बॉक्सेस ये वो वेरी प्राइजेस। तो जल्दी से अपनी बहन के लिए नूडल्स बनाओ, शाबाश बाय, फ्राइज बनाओ, जो भी बनाओ बस मेरे बेड पे आना चाहिए, ठीक है, मैं रिकॉर्ड करने आ जाऊंगी, स्टार्ट करो बनाना, मेरा दिल नहीं है, मेरा दिल नहीं कुछ, मैं हीटर के आगे बैठूंगी और जैनब राबिया के लिए खाना बनाएगी, ये आज जैनब मेरे लिए कुछ एक्साइटेड डिश बना के लाएगी, फिर वो चैलेंज करूंगी तुम्हारे साथ, बोलो यस, ओके, वाह वाह वाह, बहन हो तो ऐसी हो जो मजे के नूडल्स भी लेके आए, वाह 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 वाह, क्यूटी पाए, कुरकुरे हैं कोई हमारे पास, वो इसके ऊपर डाल के खाते तो मजा आता है यार, कोई बात नहीं, लेकिन बहन हो तो गाइस ऐसी हो, लव यू जाना, और गाइस हम जाने के साथ वो चैलेंज करेंगे, सच में करोगी? हाँ करूंगी करूंगी, बहुत मजा आएगा देखना, बिग बिग प्राइजेस होंगे उसके अंदर, तो ये हम करते हैं इसको चटू पटू। और गाइस तो आज तो किसी को पता ही चला, किसी ने जाके देखा भी नहीं कि वो चोरी हुआ है, मतलब कि सच्चा चोरी हुआ तो किसी को पता ही नहीं है, तो खैर सुबह इन्होंने जो है ना पकड़ के लेके जाना है बैंक में रखवाने के लिए, तो सुबह इनको पता लगेगा, तो मैं अभी व्लॉग जो कंटिन्यू सुबह करूंगी, ठीक है, अभी तो सब सोने की तैयारियां कर रहे हैं, तो सोते हैं, सुबह मिलती हूँ मैं आपसे। Oh guys, so welcome to next day. So, जिस दिन का इंतजार था finally वो आ चुका है, मैंने बहुत इंतजार किया है, तकरीबन 8-10-12 घंटे इंतजार कर चुकी हूँ सोकर, तो खैर अभी उठी हूँ, जाकर देखते हैं भाई क्या क्या हो रहा है, आज कुछ होता है गड़बड़ी के नहीं होती। और फातिमा माशाल्लाह सीधे बैठी हुई है फोन में लगी, तो मेरे रूम में क्या कर रही है, जैनब किधर है, इसने जैनब को ऊपर शिफ्ट करवा दिया और खुद मेरे रूम में शिफ्ट हुई पड़ी है, नहीं हुई फिर थोड़ी देर के लिए आई है सर। हाँ तो मेरे रूम में ना अगर जब से आप ही का रूम है ना उधर सोती है आजकल, चल्ला बाहर देखते हैं कि क्या नाश्ता रूस्ता बने, मम्मा यार नाश्ता दे दे, और मम्मा देखो जरा सुबह सुबह किचन में घूम रही है, और पापा भी आज उठे हुए, वाओ पापा जी क्या चक्कर है, क्या बोल रहे हैं, नाश्ता नहीं करना, तो कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस, अच्छा गाइस पापा ऑफिस जा रहे हैं, बॉइल्ड अंडा खाना है, बॉइल्ड अंडा, तो मुझे क्या खिलाएंगे फिर, और बाहर गाइस इतनी फोग हो रही है, इतनी ठंड हो रही है ना बाहर, फोग में रोज डेली बॉइल्ड अंडे खाओ, ओ मुझे भी बॉइल्ड है, इसको लाए मैं तोड़ू, मैं तोड़ती हूँ प्लीज, अभी अंडा सारा खराब कर दे, छिला मैंने जा रही है, मैं तो सेट कर रही थी अंडा, जब मुझे दूसरा करना पड़ना, ये तू ही खाएगी अब, हो खुद ही छीलना खुद ही खाना, मैं पापा को दूसरा दिन, चल जा अभी मुझे नाश्ता दे, फिर क्या बनाना है आज व्लॉग में तूने, मैं आज वैसे ही अपनी नेचुरल रूटीन देखो, आज मैंने एक अपनी एक वीडियो बना दिया, मैं थोड़ी देर गाइस हीटर के पास बैठूंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी, मम्मा आपको पापा बुला रहे हैं, ओ गरम गरम हवा, गाइस यहाँ पे हीटर और वहाँ पे पता नहीं मम्मा पापा की कोई बातें हो रही है, पता नहीं क्या बातें हो रही है, मुझे नहीं पता, कनेक्टर्स के बारे में बात हो रही है, मैं चुपके चुपके से रिकॉर्ड कर रही हूँ, पता नहीं क्या कह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं क्या, नहीं ये कैसे ढूंढ रहे हैं, मुझ पे शक नहीं जाना चाहिए, और मम्मा शायद ढूंढ रही है, पापा वेट कर रहे हैं, पता नहीं कि मम्मा के पता, मम्मा की शाम बता रही है, ढूंढ रही है, याहू अब मज़ा आएगा ना, चलो मैं लगता है कि मैं ना कुछ ऐसा नेचुरल करती हूँ, अगर बता रहा लगे इनको तो कहा मुझे समझ में कैमरा का कोई ये बटन से इसके या नीचे आना एक दफा आ रही है मुझसे ही पूछ रहे मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे ना बातें हो रही है गाइस इनकी बातें हो रही है चुप 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 मैं कैमरा बाहर रख के मैं पकड़ी हूँ इतना बोल यार मुझे ना कैमरा कोई रखना पड़ेगा वरना शक हो रहा है ना इनको बहुत ज्यादा फातिमा मैंने कल आपका सेट तो दराज में रखा था तो देखा नहीं मैंने तो नहीं लोग क्या मतलब पहले थोड़ी लिया है यार मुझे नहीं पता मम्मा मुझे नहीं पता मैंने सारे दराज देख लिए नहीं आप उससे पूछे आप भी कल मुझे पूरा हाथ में पकड़ा दिए क्या हुआ अब यार तुमने देखा मैंने रात को रख दिया मैंने सुबह ले जाएंगे मैंने फोन किया पापा को लेके जाना तो कहते मैं सुबह ले जाऊंगा रख दो तो मैंने रख दिया तो अब दराज में पड़ा ही नहीं मैंने सारे देख लिया मुझे तो पता ही नहीं है सुबह ले जाना
तो आप किसी लॉकर में रखती। यार मेरे जेब में तो पापा ने कहा मैं सुबह लेके बैग में रखना था तो चेक करें वहीं पे होगा। नहीं है मैं सारे देख रहा हूँ ऐसे कैसे नहीं है मम्मा देख लो मैंने इधर रखा था। A few moments later. तुम क्या ढूंढ रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या चाहिए? क्या? तुम क्या ढूंढ रही हो? सेट का बॉक्स था। सेट ढूंढ रही हो? चम्मच ढूंढ रही हो? क्या नहीं मेरे क्या? बॉक्स ढूंढ रही हो? मम्मा नहीं मम्मा के रख के भूलना ना गई हो। पीछे क्या आएगा पड़ा हुआ था शायद। मैंने तो नहीं पड़ा होगा। मैं कह रही हूँ आप मुझे एक दफा पूछ लो कॉल करके। मिला? वो कैमरे किसके लिए गया? लेकिन क्या मम्मा ने तो अंदर रखा है। मम्मा ऐसा कैमरा में भी चेक कर सकती हैं कुछ और लेकिन मम्मा तो हाँ ना लेकिन मम्मा तो कमरे में रखा है ना हमारे तो वहाँ पे चोर अगर लेके भागा होगा तो वो यहाँ से ही भागा होगा ना देखा चोर क्यों आएगा हमारे घर पे तो कहाँ गया मम्मा कैमरा में देखो मुझे ऐसा लग रहा है मम्मा कहीं रख के भूली है कैमरा में देखे ना। A few moments later बाहर कितनी फोग हो गई है मैं कहाँ से ढूंढू बाहर फोग तो चेक कर ये देख चोर ये देख चोर ये देख मैं फिजूल में टेंशन में आई हूँ क्या कंटेंट की खातिर कुछ भी नहीं बस एक बात है ये कोई चीज़ है छुपाने वाली कुछ भी तो छुपाने वाली है इसे प्रैंक करने वाली पापा जी ये राबिया का पापा जी प्रैंक था ये देखे वो राबिया ने प्रैंक किया है ये देखे राबिया अपना कंटेंट बना रही थी यूट्यूब का वहाँ कैमरा रखा हुआ था इसे मैंने पकड़ लिया राबिया निकल बाहर ये एक सेकंड ये ले छोड़ो इसको मैं फट गया मेरी मम्मा ये ले बुरी हरकत है सारी बात करने वाली इस तरह चीज होती है मैं लेट हो रहा हूँ मैं तुझे तो मैं छोड़ूंगी ऐसी छोड़ो फट जाएगा मेरी मम्मा छोड़ो सेट फट जाएगा मेरी मम्मा मैं कहूँ पता नहीं भाई दांत क्यों निकाल रही है क्या हुआ है देखा नहीं राबिया तो नॉर्मल बैठी हुई इसने तो आज व्लॉग ही नहीं बनाया इसलिए आराम से बैठी हुई है कोई नहीं बना रही ओके लोगों के फोन यूं पड़े होते हैं मैंने देखा राबिया का यूं पड़ा हुआ मैंने इतनी मुश्किल से सेट करके रखा था कैमरा इतनी मुश्किल से फुल फिटिंग करके किसी को इसको तो नहीं दिखा था मैं बाहर कैमरा में देख रही थी तो मुझे वहाँ पे मैंने कहा ये राबिया का फोन आ गया शर्म नहीं आया तो बस अपनी बहन के साथ तुम्हें शर्म नहीं प्रैंक करते माँ बाप के साथ तो तुमने जब इंडिया वाला किया तब भी तुम्हें शर्म आई थी है इंडिया वाला इंडिया जा रहे मैंने कैमरे को छुपाया तो नहीं ना थे कर रहा है मैंने कहा सच में मैं अभी वापी को फोन करके पूछने लगी थी कि मुझे दिया भी है कि नहीं गई वापस तो नहीं लेगी गई चलो पापा बैंक में रखवाए हैं ना अपनी चोरी होगा ये लोग अब सरासर मेरा मजाक उड़ाने में लगी हुई है और मम्मा से बात करनी मुझे अब दो महीने बात ना करना मैं देर से बात सॉरी मम्मी सॉरी मानती सॉरी घंटे टेंशन दे के सुबह सुबह उठते ही मूड खराब कर दे लोगों के लिए अच्छा कंटेंट निकाल रही थी लेकिन आज तक मैं सॉरी ऐसे एक्सपेंसिव प्रैंक्स कभी नहीं करूंगी तुम लोग कहते ऐसे करो नहीं लोगों ने कहा था कि अच्छा हैवी प्रैंक लेकर मैं तभी से हैवी प्रैंक लेकर आई थी हैवी प्रैंक करो ना पूरा दिन कमरे में बंद हो जाओ ठीक है एक दिन मैं ये भी करूँगी पूरा दिन राबिया कमरे में वो रहेगी इंडोर रहेगी वो भी मुझे टेंशन होगी और फिर राबिया ने कहा ना मुझे कोई प्यार ही नहीं करता किसी ने पूछा ही नहीं मेरे बारे में कमरे में बंद रहेगी वो भी मेरे लिए टेंशन चलो यार आईंदा एक्सपेंसिव नहीं करूंगी लेकिन ठीक है आईंदा मम्मा के साथ नहीं होगा अपनी चीजें ना उनका करो उसका करो उसका करो मेरी का क्यों करती हो हमारे साथ भी प्रैंक नहीं करूंगी हीरापी के साथ नेक्स्ट गाइस हीरापी के साथ आएगा फिर तो हैंडल नहीं कर पाऊंगी आपके मैंने देखी है प्रैंक उल्टी प्रैंक मैंने देखा ब्लड उल्टी वाला मुझे मजा उड़ा रहा था आई लव यू फातिमा आई लव यू मोर
घर में ना एक फातिमा जैसी बेटी चलाक बेटी होनी चाहिए और राबिया जैसी एक प्रैंकस्टर भी होनी चाहिए। प्रैंकस्टर हो ना थोड़ा, फातिमा जैसी चलाक बेटी भी मेरी है, पकड़ लेती है। ओके गाइस, मुझे सीखने को मिला है कि एक्सपेंसिव प्रैंक्स नहीं करने चाहिए, हल्के फुल्के कर लो वरना घर वालों ने मुझे मार देना और मैं ऐसे पकड़ी गई ना लिटरली। बट खैर, होप सो कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।